बैक टू माय चैनल, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से मेरे चैनल पे एक न्यू वीडियो का स्वागत है। तो आज है मेरा पास ड्यूक 390। तो इस वीडियो में भाई बात करेंगे आपकी कितनी मंथली सैलरी होने पर इस बाइक को आप परचेस कर सकते हो, एंड भाई बाइक का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक को लेने के लिए आपको मंथली सैलरी कितनी होने चाहिए। तो इस बाइक की अभी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है हमारे यहाँ कोलकाता में आपको 380,000 पड़ने वाली है। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि जो मिडिल क्लास का भाई लोग है तो ये बाइक को परचेस कर पाता है या नहीं, तो उसके लिए मैं कम कॉस्ट EMI निकाला हूँ, जो कि इस हिसाब से अगर लेते हो तो कितनी आपकी सैलरी रहेगा तो इस बाइक को परचेस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो 380,000 जो कि है बाइक की प्राइस। तो अगर इसमें आप अगर 80,000 पे करते हो तो भाई 3,00,000 का EMI करना है। तो अगर कंपनी वाले 10% का इंटरेस्ट रखता है तो भाई यहाँ पे मैं हिसाब करके बताता हूँ तो 60,000 एक्स्ट्रा पड़ने वाला है। तो इसको प्लस करके 3,00,000 कर देता हूँ तो टोटल भाई इतना पड़ेगा बाइक का प्राइस अगर आप 80,000 पे करते हो। तो इसको आप भाई डिवाइडेड करते हैं तो भाई 5 ईयर का करके देखते हैं। तो 5 ईयर का भाई आपको मंथली पे करना पड़ेगा 6,000 पर मंथ, 6,000 करना पड़ेगा। तो ये भाई मिडिल क्लास के लिए EMI बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको ये बाइक लेना है तो मिनिमम आपकी सैलरी 15,000 होना चाहिए, क्योंकि भाई इसकी जो भाई कॉस्ट है ना टायर का, डिस्पैट का बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आप मिडिल क्लास की और मिनिमम आपकी 15,000 सैलरी है तो आप भाई इजीली बाइक को परचेस कर सकते हो। इस बाइक में मुझे क्या क्या बढ़िया लगा, तो ओवरऑल सबसे बढ़िया तो मुझे इस बाइक की लुक लगता है, जो कि भाई बहुत मस्त है। सिंगल सिलेंडर में भाई सबसे बढ़िया लुक देता है और पावर स्पीड बहुत बढ़िया है। इसका DRL देख लो भाई, हेडलाइट सामने से G900 जैसा भाई, मतलब मॉन्स्टर लुक मिला है। बाइक लॉन्च होने के बाद भाई एक चीज़ बहुत बढ़िया किया है KTM वाले ने कि भाई ये बाइक का चलते भाई KTM वैल्यू बढ़ गया है KTM वालों का, जो कि भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो और बात करते हैं भाई इसका डिस्प्ले देख सकते हो, टैंकी 15 लीटर का मिल जाता है, इसके पावर भाई 46 का मिल जाता है। इसका भी एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं, साउंड भाई सुपर बाइक वाला है और बहुत बढ़िया है। डिसएडवांटेज का बात करूं तो भाई फर्स्ट में देख सकते हो ये भाई जो चौड़ा है ये मुझे बहुत भद्दा टाइप का लग रहा है। और भाई इसका इंजन जो है, इंजन भाई बहुत हीटिंग होता है, अगर आप सिटी में राइड करते हो मतलब बहुत गर्म लग गया पैर के सामने, और भाई आप बहुत ज़्यादा देर तक हीटिंग इशू नहीं रख पाओगे, इतना हीट देता है। और इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है जो कि है माइलेज भाई, सिटी में आपको भाई 18 से 20 मिलने वाला है सिटी में, जो कि भाई मुझे बहुत घटिया लग रहा है, इतना भाई इतना कम माइलेज है, वो भी 400 CC का अंडर में। जिसका बाइक है उसका भाई ये शॉकर से भाई लीक हो गया है और देख सकते हैं यहाँ ऑयल भी लीक कर रहा है। तो भाई इतना अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं लगा भाई, इतना नया गाड़ी भाई इतना जल्दी ये कैसे ख़राब हुआ मुझे नहीं मालूम, कौन सा कंडीशन में गाड़ी चलाया वो भी नहीं मालूम, बट भाई जो भी हो लीक नहीं होना चाहिए इतना जल्दी इस गाड़ी को। इसका पूरा रिव्यू देखना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका पहले रिव्यू बनाया हूँ तो चेक कर सकते हो। आई होप ओवरऑल आपको समझ आ चुका होगा कि इस बाइक को लेने के लिए आपका सैलरी कितना होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर।